नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में होने वाले तीसरे और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच के बारे में जो कि आज खेला जाएगा। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट की, तो यार देखो इन्वेस्टमेंट आप ठीक ठाक कर सकते हो। वैसे तो स्मॉल लीग के लिए भी अच्छा गेम है, लेकिन स्पेशली अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तो भाई ग्रैंड लीग के ऊपर से आपको नजर नहीं हटानी है, क्योंकि ग्रैंड लीग के लिए ये वाला मैच काफी अच्छा है। और ग्रैंड लीग में कैसे आपको जीतना है उसके टिप्स भी आपको आगे इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो यार आगे इस वीडियो में मैं तो बोलूंगा कि इस वीडियो को आपको ध्यान से देख लेना, उसके बाद ही इस मैच में इन्वेस्ट करना, ताकि आपको पता लग जाएगा कि कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, बाकी दोस्तों हमेशा की तरह आपको इस मैच में जीतने के लिए जिस भी इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वो तो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देख लेना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यार आपको आगे इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं बता दूंगा, इस मैच से रिलेटेड एक डेमो टीम भी मैं आपको बना के दिखा दूंगा। लेकिन यार इस मैच की जो फाइनल टीम होगी, जिससे मैं खुद भी खेलूंगा और जिससे अपनी पूरी फैंटेसी सपोर्ट की फैमिली भी खेलेगी, वो यार आपको आगे इस वीडियो में नहीं मिल सकती। और क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि यार वो अभी तक बनी नहीं है। आपको बताएं अभी तक इस मैच का टॉस नहीं हुआ है, और जब तक टॉस नहीं हो जाता तब तक अपने पास नई नई अपडेट आती रहती है। टॉस होने के बाद दोस्तों अपने पास फाइनल प्लेइंग 11 आती है, उसको देख के हम अपनी फाइनल टीम बनाएंगे। ठीक है, तो अपनी जो भी फाइनल टीम होगी इस मैच की, वो हमेशा टॉस के बाद में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। तो आप में से जिस भी भाई ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, भाई देखो आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो सबसे ज्यादा जरूरी काम है, आपको जरूर ज्वाइन करना है। और ज्वाइन कैसे करोगे? टेलीग्राम चैनल की दोस्तों जो ज्वाइनिंग लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो एक दो सेकंड के अंदर एकदम फ्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओगे। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल, आप खुद देख सकते हो। हमारे साथ अभी फिलहाल में टेलीग्राम चैनल पर 133,000 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और रेगुलरली हमारी फाइनल टीम्स और अपडेट्स का एकदम फ्री में फायदा उठा रहे हैं, बहुत अच्छी विनिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम चैनल आपकी स्क्रीन के सामने था, है ना, आप जुड़ जाना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जाकर जुड़ना चाहो अभी जाकर जुड़ जाओ, या फिर इस वीडियो को खत्म करने के बाद जुड़ना चाहो तो बाद में भी जुड़ सकते हो, वो आपकी चॉइस है। और साथ ही साथ दोस्तों आप में से जिस भी भाई ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई यार कहाँ पीछे रह रहे हो, लगभग 5 लाख लोग ऑलरेडी हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं। तो अगर आप नहीं जुड़े हो, नीचे देखो सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा होगा, फटाफट से उसे दबाओ और उसके बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उससे भी जरूर से ऑन कर लेना, ताकि जितनी भी अपडेट हो टीम में आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आऊँ, वो भी आप तक सही सलामत पहुंचते रहे। लाखों लोगों ने दोस्तों हम पे भरोसा दिखाया है, तो आप भी दिखाओ, इनका मैं प्रॉफिट करवा रहा हूँ, आपका भी करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, खैर बात करते हैं दोस्तों देखो इस मैच के बारे में। तो यार ये वाला जो मैच है ये आज शाम को 4:30 PM पर खेला जाएगा, और ये वाला जो मैच है दोस्तों ये डायमंड ओवल में खेला जाएगा, जो कि किम्बर्ले साउथ अफ्रीका के अंदर है। अब दोस्तों इस मैदान की क्या खास बात है? सबसे पहली बात तो दोस्तों इस मैदान में पिछले 5 साल से एक भी वनडे इंटरनेशनल का मैच नहीं खेला गया है, मतलब कि जो पिच है वो अनएक्सपेक्टेड बिहेव कर सकता है, उसके बारे में डिटेल में और बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं मौसम की, तो देखो यार आज का जो मौसम है वो एकदम क्लियर है, लेकिन यहां पर रिसेंटली ही एक काफी शानदार बारिश हुई है, मतलब कि हेवी बारिश हुई है, और उसकी वजह से ऑफकोर्स आपको बताया कि पिच पर असर पड़ेगा। जब बारिश होती है उसके बाद तुरंत मैच होता है, तो पिच पर कैसा असर पड़ता है यह बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं यार इतने सालों से आप जुड़े हुए। ठीक है, एक बार वापस बता देता हूं, पिच में जो है वो मॉइस्चर रहता है और उसकी वजह से फास्ट बॉलर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों डायमंड ओवल का जो पिच है वो अपने बैट्समैन को सपोर्ट देने के तरीके से भी जाना जाता है, फास्ट बॉलर को सपोर्ट देने के तरीके से भी जाना जाता है। ठीक है, बैट्समैन अगर अच्छे से बैटिंग करेगा तो कर सकता है, क्योंकि यहां पर स्मॉल बाउंड्रीज, बाउंड्रीज ज्यादा बड़ी नहीं है, तो मतलब यहां पर बाउंड्रीज जा सकती है, चौके छक्के लगाए जा सकते हैं। ठीक है, 300+ का भी स्कोर बनाया जा सकता है, वो तो देखो यार फाइनल डिपेंड करेगा पिच के ऊपर ही, क्योंकि पिछले 5 साल से मैच नहीं हुआ है तो पिच कैसा होगा वो आइडिया नहीं लगा सकते अभी, है ना। फाइनल पिच रिपोर्ट आने दो, बाकी दोस्तों टीम जो भी टॉस जीतती है वो यहाँ पर पहले बॉलिंग कर सकती है, क्योंकि अभी तक इस मैदान में आज तक टोटल 14 वनडे इंटरनेशनल के मैच खेले गए, उनमें से 11 मैच उस टीम ने विन किया है जिसने पहले बॉलिंग की है। तो इस मैच के भी टॉस का डिसीजन यही होने वाला लग रहा है कि जो भी टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग ही करेगी। बाकी दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइनल पिच रिपोर्ट में आपको अभी नहीं बता सकता, क्योंकि पिछले 5 साल से मैच हुआ नहीं है और पिच में कोई भी चेंजेस हो सकते हैं, तो फाइनल पिच रिपोर्ट अपने पास टॉस के टाइम आएगी, वो भी मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, उसके हिसाब से भी अपनी टीम में चेंजेस हो सकते हैं, ध्यान रखना वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रिसेंट परफॉर्मेंस और हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो वो भी आपकी स्क्रीन के सामने। रिसेंट परफॉर्मेंस दोस्तों साउथ अफ्रीका की वनडे इंटरनेशनल में आपकी स्क्रीन के सामने, पिछले 5 में से इन्होंने 3 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं, और 3 मैच जो जीते हैं वो देख लो, 1 इंडिया के अगेंस्ट, 2 इंग्लैंड के अगेंस्ट। मैं आपको बता दूं दोस्तों साउथ अफ्रीका सीरीज ऑलरेडी जीत चुकी है, क्योंकि 3 मैच की सीरीज थी, 2 मैच जीत चुकी है, मतलब कि सीरीज ऑलरेडी साउथ अफ्रीका के हाथ में आ चुकी है। ठीक है, और जो 2 मैच हारे थे वो इंडिया के अगेंस्ट थे। उसके अलावा दोस्तों जो इंग्लैंड है उसकी फॉर्म काफी ज्यादा खराब चल रही है, पिछले 5 में से एक भी मैच इन्होंने वनडे इंटरनेशनल का नहीं जीता है, जो कि शायद 2014 के बाद पहली बार इनके साथ ऐसा हुआ है कि रेगुलरली इतने मैच इन्होंने हारे। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों हेड टू हेड रिजल्ट की, तो आज तक इन दोनों टीम्स के बीच में टोटल 68 मैच खेले गए हैं वनडे इंटरनेशनल के, जिनमें 33 टाइम्स जो है साउथ अफ्रीका जीती है, 29 टाइम्स इंग्लैंड जीती है, और जो बचे हुए 6 मैच है वो टाई और नो रिजल्ट में कन्वर्ट हो गए थे। तो अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड देखो तो वहां पर भी साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी है, ये वाला जो मैच है ये साउथ अफ्रीका के अंदर है, तो डेफिनेटली साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी रहने वाला है। लेकिन फिर एक दिक्कत आ जाती है कि साउथ अफ्रीका के कुछ मेन प्लेयर्स नहीं खेलने वाले इस मैच में, और उसकी वजह से इंग्लैंड बाजी मार सकती है इस मैच में, ये बात ध्यान रखना।
बाकी दोस्तों कौन सी टीम स्ट्रांग है कौन सी टीम कमजोर है वो तो जब आपको आगे मैं अपनी प्लेइंग इलेवन वगैरह दिखाऊंगा उसके रिकॉर्ड बताऊंगा तब आपको पता लग जाएगा और उन सब के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखो यार आपने हमारा इतना वीडियो देख लिया है मतलब डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आ रहा है और पसंद आ रहा हो तो यार आपके भाई का वीडियो है आपको फटाफट से वीडियो को लाइक करना है ठीक है। इस वीडियो पर दोस्तों लाइक टारगेट में ज्यादा रख ही नहीं रहा ओनली 2000 लाइक का तो वो तो कंप्लीट कर ही देना यार है ना। ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं करूंगा कोई और भाई कर देना आपको ही करना है मेरे भाई ठीक है। एक सेकंड लगेगा कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको फटाफट से वीडियो को लाइक करना है। खैर दोस्तों बात करते हैं देखो साउथ अफ्रीका टीम न्यूज के बारे में तो साउथ अफ्रीका की तरफ से जो भी न्यूज है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो प्रोटीज हैं साउथ अफ्रीका को ऑफकोर्स बोलते हैं तो उन्होंने सीरीज ऑलरेडी जीत ली है तो प्रेशर उनके दिमाग से हट चुका है एक तरीके से ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक ये है कि इनके एक मेन प्लेयर क्विंटन डीकॉक पिछले मैच में विकेट कीपिंग करते टाइम अपने हाथ में थोड़ी इंजरी करवा ली थी और हो सकता है इस मैच में नहीं खेलें क्योंकि डीकॉक इनके एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और उनको ये रिस्क नहीं करना चाहेंगे। उसके अलावा दोस्तों इनके जो तीन मेन फास्ट बॉलर हैं कगिसो रबाडा आंद्री चोटिया और लुंगे अंगिडी तीनों के तीनों ने प्रैक्टिस सेशन में पार्ट नहीं लिया था और इसका मतलब मैं तो यही निकाल रहा हूं कि इस मैच में ये भी आपको खेलते हुए शायद नहीं दिखे ठीक है। उसके अलावा दोस्तों और कोई रिपोर्ट साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से अभी तक आई नहीं है लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया जब तक टॉस नहीं हो जाता तब तक अपने पास नई नई अपडेट आती रहती है और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी तो वो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर ही दूंगा ठीक है। एक बार वापस बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ये रही दोस्तों साउथ अफ्रीका की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 जो कि मेरे को लगता है ये 11 खिलाड़ी आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं दोस्तों इन्हीं 11 खिलाड़ियों के सारे रिकॉर्ड के बारे में। सबसे पहले दोस्तों नाम आ जाता है अपने पास रिजा हेंड्रिक्स का। अब देखो यार रिजा हेंड्रिक्स रिप्लेस करेंगे क्विंटन डीकॉक को अगर क्विंटन डीकॉक फिट नहीं है। अगर फिट हो गए होंगे जस्ट इन केस तो फिर वही आपको खेलते हुए नजर आएंगे ठीक है। बाकी दोस्तों रिजा हेंड्रिक्स का जो रिकॉर्ड है वो आपकी स्क्रीन के सामने आज तक इन्होंने टोटल 26 मैच खेले हैं वनडे इंटरनेशनल के जिनमें इन्होंने 642 रन बनाए हैं और 26 से ज्यादा का थोड़ा सा बैटिंग एवरेज है ठीक है। उसके अलावा दोस्तों रिसेंटली इन्होंने कोई भी वनडे इंटरनेशनल में पार्ट नहीं लिया। उसके अलावा दोस्तों टेंबा बाबूमा की मैं बात करूं तो 22 मैच इन्होंने खेले 875 रन बनाए। आप खुद सोचो टेंबा बाबूमा वनडे इंटरनेशनल के कितने अच्छे प्लेयर हैं क्योंकि इन्होंने 26 मैच में 642 बनाए और इन्होंने 4 मैच कम खेले हैं लेकिन 200 से भी ज्यादा इनसे रन बनाए ठीक है। 46 से भी ज्यादा का बैटिंग एवरेज है और पिछले दो मैच में दोनों मैच में अच्छे पॉइंट दिए हैं। एक में तो शतक आ चुका है और इसमें भी कोई 36 रनों की पारी कम नहीं होती ठीक है। उसके बाद दोस्तों आरबीडी की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाते हैं साउथ अफ्रीका टीम के शुभमन गिल क्योंकि ये भी रेगुलरली परफॉर्म करते हैं। 40 मैच में इन्होंने 1600 से ज्यादा रन बनाए और लगभग 70 का बैटिंग एवरेज है जो कि शुभमन गिल का भी है ठीक है वनडे इंटरनेशनल में। बाकी दोस्तों इन्होंने भी पिछले दो में से दोनों मैच में अच्छे पॉइंट दिए हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपने पास ऑप्शन आ जाता है एडन मरक्रम का जिनका जो रिकॉर्ड है वो आपकी स्क्रीन के सामने वनडे इंटरनेशनल में दोस्तों ये उतनी अच्छे से क्लिक नहीं कर पाते हैं लेकिन फिर भी यार एडन मरक्रम एक टैलेंटेड प्लेयर है तो अगर आप रखना चाहो रख सकते हो। लेकिन बस दिक्कत ये आ जाती है कि देखो पिछले मैच में तो इन्होंने अच्छे पॉइंट दे दिया क्योंकि एक ओवर मतलब एक विकेट भी इनको मिल गया था लेकिन क्या इस मैच में भी विकेट मिल पाएगा क्योंकि जो पिच है वो हो सकता है इनको सपोर्ट ही नहीं करे है ना। तो पिच रिपोर्ट के ऊपर आप ध्यान देना मैं आपको टॉस के बाद बताऊंगा उसकी वजह से अपनी टीम में काफी फर्क पड़ेंगे ठीक है। उसके अलावा हेनरिक क्लासन की अगर मैं बात करूं दोस्तों नंबर 5 पर बैटिंग करेंगे विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं अच्छे प्लेयर हैं कोई दिक्कत नहीं है पिछले दो मैच में डिसेंट डिसेंट पॉइंट दिए ठीक है। डेविड मिलर दोस्तों पिछले दोनों मैच में 50 आई है ओवरऑल रिकॉर्ड भी काफी शानदार है 42 का बैटिंग एवरेज है वो डेफिनेटली आपकी टीम के लिए एक काफी अच्छे पिक रहने वाले हैं। मार्को येनसन दोस्तों बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट दे सकते हैं। ओडीआई में ज्यादा दोस्तों एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें 4 मैच खेले और पिछले मैच में इन्होंने 32 नॉट आउट की शानदार पारी भी खेली थी साथ साथ एक विकेट भी लिया था। ध्यान रखना बैटिंग और बॉलिंग दोनों के साथ आपको पॉइंट दे सकता है ठीक है। वेन पार्ले ने दोस्तों 71 मैच खेले इनका जो रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन के सामने अच्छा रिकॉर्ड है 71 मैच में 98 विकेट भी लिए इकोनॉमी भी कंट्रोल में है ठीक है 536 रन भी बनाए। लेकिन दोस्तों जो पिछले दो मैच खेले बैटिंग तो इनकी आ नहीं रही क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा डाउन है ठीक है और बॉलिंग में दोस्तों ये कुछ कमाल कर नहीं पा रहे। लेकिन वही बात है कि अगर यहां का पिच फास्ट बॉलर को सपोर्ट करता है तो फिर वेन पार्नेल भी अच्छी पॉइंट आपको दे सकते हैं एक दो विकेट निकाल के दे सकते हैं ठीक है। उसके अलावा केशव महाराज की दोस्तों अगर मैं बात करूं इनका जो रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन के सामने इकोनॉमी रेट तो काफी अच्छी रहती है लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड आप देखोगे तो डिसेंट ही है एक विकेट इन्होंने लिया था पिछले मैच में। उसके अलावा दोस्तों सिशांत मकाला ये एक अच्छे बॉलर है हमने इनको साउथ अफ्रीका T20 में भी रेगुलरली विकेट लेते हुए देखा है अगर आपको याद हो ठीक है साउथ अफ्रीका T20 जो हम कवर कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों ओडीआई में इन्होंने 4 मैच में 5 विकेट लिया पिछला मैच जो खेला था उसमें 3 विकेट निकाल लिए थे। तबरेज शमसी का जो रिकॉर्ड है दोस्तों वो भी आपकी स्क्रीन के सामने डिसेंट रिकॉर्ड है और एक विकेट इन्होंने भी लिया है। अब बात यह आ जाती है कि केशव महाराज और तबरेज शमसी जैसे प्लेयर को मैं अपनी टीम में रखूंगा कि नहीं रखूंगा वो भी डिपेंड करेगा पिच रिपोर्ट के ऊपर ठीक है। ये बात हो गई है दोस्तों साउथ अफ्रीका की। अब हम बात करते हैं इंग्लैंड की तो इंग्लैंड की टीम की तरफ से टीम न्यूज कुछ ऐसी है कि फिलिप्स और जो कि आपको पता है पिछले मैच नहीं खेले थे क्योंकि बीमार हो रखे थे लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि रिकवर हो चुके हैं और इस मैच में आपको खेलते हुए दिख सकते हैं ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जोफ्रा आर्चर ने भी पिछला मैच नहीं खेला लेकिन इस मैच में रिटर्न कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी रिपोर्ट इंग्लैंड की टीम की तरफ से आई नहीं है और कोई रिपोर्ट आएगी तो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर ही दूंगा। ये रही दोस्तों इंग्लैंड की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 और अब हम बात करते हैं इन्हीं 11 खिलाड़ियों के सारे रिकॉर्ड के बारे में।
सबसे पहले दोस्तों अपने पास नाम आ जाता है जेसन रॉय का, जिन्होंने 112 मैच अपने वनडे इंटरनेशनल के करियर में खेले, 4000 से भी ज्यादा रन बनाए, 39 से भी ज्यादा का बैटिंग एवरेज, ठीक है। जो पिछले दो मैच खेले हैं, एक में शतक आ चुका है और एक में 9 रन पे आउट हो गए थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जेसन रॉय अच्छी फॉर्म में नहीं थे, मतलब कि अगर आप 113 से पहले वाली इनिंग्स जाकर देखोगे, रेगुलरली इन्होंने खराब परफॉर्मेंस किया, चाहे वो T20 हो, चाहे ODI हो, चाहे कोई फॉर्मेट हो, ठीक है, अच्छी फॉर्म में नहीं है ये पिछले कुछ महीनों से। लेकिन इस 113 की पारी के बाद ऐसा लगा कि हाँ भाई अच्छी फॉर्म में होंगे, लेकिन पिछले मैच में फिर वापस गड़बड़ हो गई। लेकिन अब देख लो यार, एक शतक मारा है, मतलब कि फॉर्म में तो है बंदा, तो अगर रखना चाहो सेफ पिक है ना, रख सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं है। फिल शॉर्ट की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो 11 मैच इन्होंने खेले अपने करियर में, 406 रन बनाए हैं, 45 का शानदार बैटिंग एवरेज रिसेंटली खेला नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। डेविड मलान दोस्तों 14 मैच इन्होंने खेले हैं, 526 रन है, 47.81 का बैटिंग एवरेज, पिछले जो दो मैच खेले हैं 150 आ चुकी है, एक में सस्ते में आउट हो गए थे, ठीक है। हैरी ब्रुक की दोस्तों अगर मैं बात करूं, ओनली 2 ही मैच खेले, 80 रन बनाए, जो कि पिछले मैच में आए थे, उससे पिछले मैच में डक पर आउट हो गए थे। हैरी ब्रुक दोस्तों टेस्ट के तो अच्छे प्लेयर हैं, हमने देखा है इनको टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए, और ODI में भी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जोस बटलर की अगर मैं बात करूं, ज्यादा बात ही नहीं करेंगे, ये बंदा तो मतलब एक तरीके से वन ऑफ द बेस्ट है, पिछले दोनों मैच जो खेले हैं उन दोनों में इन्होंने पॉइंट दिए। मोइन अली की दोस्तों अगर मैं बात करूं, 125 मैच इसने खेले, इनका जो रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन के सामने, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन पिछले मैच में बॉलिंग से नहीं दिए, उससे पिछले मैच में बैटिंग से नहीं दिए, ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं है, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा डाउन रहता है, इसलिए बैटिंग आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, आती भी है तो ज्यादा नहीं आती है, पिछले मैच में आ गई थी, 51 रनों की पारी खेल गए थे, ठीक है। उसके अलावा सेम करन दोस्तों, इनका जो रिकॉर्ड है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने, ODI में अभी तक उतना इंप्रेस कर नहीं पाए। अब आप देखोगे कि भाई एक मैच में 3 विकेट मिले होते थे, भाई वो मिले थे, लेकिन वो ऐसा है कि मतलब कोइंसिडेंटली मिल गए, ठीक है। उसके अलावा जो पिछला मैच था उसमें बैटिंग प्लस बॉलिंग से डिसेंट पॉइंट दे देते हैं, मतलब बैटिंग और बॉलिंग के मिला के, ठीक है। क्रिस वोक्स की अगर मैं बात करूं, 109 मैच में 1300 से ज्यादा रन है, साथ साथ 157 विकेट है, ठीक है। पिछले मैच में ये बंदा नहीं चल पाया, लेकिन ध्यान रखना क्रिस वोक्स काफी अच्छे ऑलराउंडर है, अगर आप वनडे इंटरनेशनल को देखते हो तो क्रिस वोक्स आपकी टीम के ट्रम्प कार्ड भी निकल सकते हैं, आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम में जरूर ट्राई करना, ठीक है। डेविड विलर की अगर मैं बात करूं, 64 मैच इसने खेले, ये इनका कुछ रिकॉर्ड है, पिछला मैच खेला था 8 रन बनाए थे, विकेट एक भी नहीं ले पाए थे। आदिल जशीज दोस्तों कंसिस्टेंसी के साथ विकेट लेते हैं, 121 में 172 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं, 5.65 का इकोनॉमिक रेट है, पिछले दो मैच में 3 विकेट ले चुके हैं। और जोफ्रा आर्चर जिन्होंने एक मैच खेला था उसमें 1 विकेट लिए थे और 10 ओवर में शायद 80 से भी ज्यादा रन इन्होंने ठुकवाए थे, मतलब ये अच्छी लिया और ताल में नजर नहीं आए थे, इसलिए उनको उससे अगले मैच में रेस्ट दे दिया गया था और इस मैच में हो सकता है वापस बुला लिया जाए। बाकी दोस्तों देखो यार, मैं आपको प्लेयर बैटल वगैरह बताता, लेकिन प्लेयर बैटल वगैरह क्या है कि मेजरली इंक्लूड करते हैं ककिसो रबाडा को, आनरिच नोटिया को, लुंगी अंगिडी को, मार्क वुड को, ठीक है, जोनी बेस्टो को, क्विंटन डिको को, इन सबको इंक्लूड करते हैं, जो कि आपको इस मैच में खेलते हुए नजर ही नहीं आएंगे। तो इन सबको रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड था नहीं, तो फिर हो गया, ठीक है। बाकी दोस्तों अभी तक इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लिया, हेड टू हेड रिकॉर्ड, रिसेंट परफॉर्मेंस से लेकर सारे 11-11 खिलाड़ी दोनों टीम के देख लिए, उनके सारे रिकॉर्ड देख लिया, ठीक है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मुझे आपको बतानी थी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आगे इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक टीम दिखाने वाला हूँ, लेकिन यार वही बात है, ये जो भी टीम मैं आपको दिखाऊंगा ये अपनी फाइनल टीम नहीं रहेगी, इसको कॉपी करके, इसको छाप के अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन मत कर लेना, आप अपना ही नुकसान करवा बैठोगे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक डेमो टीम रहेगी, बाकी अपनी जो फाइनल टीम होगी वो हमेशा की तरह टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगी, ठीक है। वीडियो अपना जो है वो 2-3 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन खोल लेना है या फिर कमेंट बॉक्स खोल लेना है, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इतना छोटा सा आपको काम करना है। बाकी दोस्तों मैं आ गया हूं अपने टीम इलेवन की स्क्रीन पर, और ये रहा अपना साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड वाला मैच, जिसकी मैं आपको एक डेमो टीम बना के तुरंत दिखा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों देखो, एक बार खुल जाने दो, हाँ, विकेट कीपर सेक्शन में देखो अपने पास ऑप्शन क्या क्या है। जोस बटलर का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं देखना है ना प्लेड लास्ट मैच, क्योंकि ये अभी इंजरी के कारण बाहर हो सकते हैं। बाकी हेनरिक क्लासन आपको खेलते हुए दिख सकते हैं, डेफिनेटली फिलिप चोट आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। अब रखना किसे किसे, जोस बटलर को ऑफकोर्स मैं अपनी टीम में रखूंगा, हेनरिक क्लासन का मैंने आपको बताया कि अच्छे प्लेयर है, बैटिंग नंबर 5 पर करते हैं और डिसेंट पॉइंट आपको दे सकते हैं, और फिलिप सोल जोस तो जिनका जो बैटिंग एवरेज है वो 45 के समथिंग का है, ये आपके लिए अच्छे प्लेयर निकल सकते हैं, ट्रम्प कार्ड निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, बाकी फिलिप सोल को अगर आप रिस्क लेके अपनी टीम में रखना चाहो रख सकते हो, सेफ खेलना चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। इनके बारे में हम आगे वीडियो में और बात करेंगे, सबसे पहले आते हैं बैटिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में दोस्तों देखो, डेविड मिलान है जिन्होंने अच्छे पॉइंट दिए हैं, एक मैच में कोई दिक्कत नहीं, अच्छे प्लेयर भी हैं, बैटिंग एवरेज वगैरह सब अच्छा है, ठीक है। डेविड मिलर है जिनको डेफिनेटली मैं अपनी टीम में उठाऊंगा, जो क्योंकि डाउन दी ओर रख के अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। वांडे ड्यूसन है जिनको डेफिनेटली मैं अपनी टीम में उठाऊंगा, और नीचे से टेम्बा बावुमा है जिन्होंने अच्छे पॉइंट दिए हैं और अच्छी फॉर्म में है और ODI के अच्छे प्लेयर है, ठीक है। इन तीनों को तो मैं अपनी टीम में उठाऊंगा, और अपने पास ऑप्शन क्या क्या बच रहा है उठाने के लिए, डेविड मलान है जिनको हम अपनी टीम में डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, इसको दिक्कत नहीं है। एडन मरक्रम है जो कि बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट दे सकते हैं, बॉलिंग से थोड़ी कम उम्मीद है और बैटिंग से तो दे सकते हैं, ठीक है। हैरी ब्रुक है जो कि टेस्ट के अच्छे प्लेयर हैं और वनडे में भी अच्छा कर सकते हैं, ये हमने पिछले मैच में देखा है इनको, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जेसन रॉय हैं जिन्होंने 1 शतक ऑलरेडी मार दिया है इस सीजन में, और उसके अलावा रिजा हेंड्रिक्स हैं जो कि क्विंटन डिको को रिप्लेस करते हुए दिख जाएंगे, लेकिन इनका जो ओवरऑल रिकॉर्ड है वो भी उतना अच्छा नहीं है, और खास करके यहाँ पर पेसर्स को अनइवन बाउंस मिलेगा तो हेंड्रिक्स के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसलिए हेंड्रिक्स को मैं अभी कंसिडर नहीं करूंगा। बाकी दोस्तों जो प्लेयर मैंने आपको बताया उनके ऊपर भी नजर मारेंगे, पहले आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में।
ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों आपके पास मोइन अली का ऑप्शन है, जिन्होंने पिछले मैच में 50 मारी थी, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिस्क लेके इनको ड्रॉप कर रहा हूँ और सेम करन को अपनी टीम में पिक कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे से क्रिस वॉक्स, वेन पार्नेल और मार्को येंसन, तीनों के तीनों आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, लेकिन बात यह है क्रिस वॉक्स को तो मैं अपनी ग्रैंड की टीम में ट्राई करूंगा, स्मॉल की टीम में एक बार के लिए छोड़ो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वेन पार्नेल ये आपके लिए डिसेंट पिक है, लेकिन फिलहाल के लिए एक बार छोड़ो, मैं उठा रहा हूँ मार्को येंसन को, क्योंकि ये बंदा बैटिंग भी कर सकता है, ये बंदा बॉलिंग भी कर सकता है, ये बंदा अच्छा बॉलर भी है और ये बंदा अच्छा बैटर भी है, तो ध्यान रखना एक बार के लिए येंसन को ट्राई कर लिया। येंसन दोस्तों आपके लिए रिस्क की वाइस कैप्टन के चॉइस भी है इस मैच के, और आप अपनी मिनी ग्रैंड की टीम में बना भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की, तो दोस्तों बॉलर में देखो आपके पास रबाडा नहीं है, आर्चर का ऑप्शन है जो कि डेफिनेटली मेरी टीम में रहने वाले हैं अगर खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नोटिया वगैरह प्रैक्टिस सेशन में पार्ट नहीं लिया था तो मेरे को लगता है खेलेंगे नहीं। उसके बाद दोस्तों आदिल रशीद है जो कि आपके लिए एक सेफ पिक है, क्योंकि ऐसा है कि कंसिस्टेंसी के साथ विकेट लेते हैं तो इस मैच में भी आपको एक आधा विकेट लेते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं आदिल रशीद को उठा रहा हूँ, फिर तबले शमसी वगैरह को छोड़ो, डेविड विले को अगर आप उठाना चाहो दोस्तों आदिल रशीद की जगह तो ये भी आपके पास एक चॉइस है, ठीक है। बाकी लुंगी अंगिडी प्रैक्टिस सेशन में नहीं थे, उसके बाद टोपले वगैरह नहीं, मगाला को मैं अपनी टीम में रखूंगा जो कि अपनी एक्सपेक्टेड प्लेइंग एलेवन में था और अगर खेलता है तो डेफिनेटली मेरी टीम में रहने वाला है, क्योंकि काफी अच्छा बॉलर है, साउथ अफ्रीका T20 में भी इसने रेगुलर परफॉर्म किया, ओडीआई का जो एक मैच खेला उसमें भी इसने परफॉर्मेंस किया और एक मतलब काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया इन्होंने खुद में, ठीक है। तो ये हो जाते हैं दोस्तों अपने एक बार के लिए प्रीव्यू, देखो आप ये 9 प्लेयर का प्रीव्यू है, ठीक है। जो बचे हुए 2 प्लेयर हैं वो आप किसी को भी उठा सकते हो, मैंने आपको ऑप्शन बता दिए, एक बार यहां से आके आप सेफ जाना चाहो मोइन अली को उठा सकते हो, रिस्की जाना चाहो क्रिस वॉक्स, वेन पार्नेल का ऑप्शन है, बैटिंग सेक्शन में आपके पास दोस्तों डेविड मलान का ऑप्शन है, एडन मक्रम वगैरह का ऑप्शन है, जेसन रॉय वगैरह का ऑप्शन है और विकेट कीपर सेक्शन आपके पास हेनरिक क्लासन और फिलिप शॉर्ट का ऑप्शन है, ठीक है। मैं किसे उठा रहा हूं एक बार देखो, मैं रिस्क लेके एक बार के लिए फिलिप शॉर्ट को अपनी टीम में उठा रहा हूं और यहां से एक रिस्क ले लिया तो एक मैं सोच रहा हूं कि यार सेफ खेल लूं, इसलिए डेविड मलान को मैं अपनी टीम में उठा रहा हूं, ठीक है। ये वाली जो टीम है ये है मेरी डेमो टीम इस वीडियो के लिए, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, ध्यान रखना, हो सकता है आप डेविड मलान की जगह जेसन रॉय वगैरह किसी को भी उठाना चाहो वो कर सकते हैं, और अपनी टीम में यार जो भी चेंजेस होंगे जो भी अपडेट होंगे वो तो खैर मैं आपको टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर बता ही दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन की, ठीक है। टेलीग्राम चैनल दोस्तों ये है, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगी। बाकी दोस्तों बात करते हैं देखो कैप्टन और वाइस कैप्टन की इन्हीं 11 प्लेयर में, तो देखो अपने पास ऑप्शन क्या क्या है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, सेम करन है, ठीक है, मार्को येंसन मैंने आपको बता दिया रिस्की है, उसके अलावा दोस्तों जोस बटलर एक सेफ पिक हो जाते हैं आपके लिए सीवीसी के लिए, आरवीडी जो है आपके लिए सीवीसी के लिए अच्छे पिक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ दोस्तों आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे चॉइस है, बाकी इनमें भी कोई चेंजेस होंगे कोई अपडेट होंगे तो वो भी मैं आपके साथ उसके बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है यार इस वीडियो के लिए इतना ही, जिस भी भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो जाते जाते यार वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।